उलमा इकराम दी इज्जत, उलमा दा जिन्हां ने अदब नहीं ना कीता हसद कीता है। एक इमाम फरमांदे ने उलमा दा गोश्त बड़ा जहरीला हुंदा है। की माना जिहड़ा आलिम दी गीबत करदा है ना अल्लाह नूं माफ नहीं करदे, अल्लाह नूं बड़ी छेती फड़ दे। सैयदना हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए, हजरत इबन अब्बास कबर ते बह के रो रहे ने ते फरमांदे ने दफन अल यौम इल्मन कसीरा, अज इलम दा बड़ा वड्डा भार कबर च टुर गया है। ये नहीं आखा मैं वड्डा आलम हूं मेरी बड़ी शान। हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि मेरे इलाके में इमाम औज़ाई आ रहे हैं ते शहरों बाहर चले गए, उन्हां दे ऊंट दी नकेल फड़ के ना ते आप दी गर्दन च पा ली ते गर्दन च पा के अगे अगे टुरे जांदे ने और लोगों को दसते जा रहे हैं ये बहुत बड़ा आलिम है। हालांकि इमाम सुफियान सौरी से बड़ा आलिम कौन, आलिम दत्ते यार इतनी तो अल्लाह जानता, एक मौलवी तकरीर करता हूँ तो बाकी हसद नाल उन्हें इंज वेखते होंगे जिम्मे भुखी गां गतावे वाल वेखदी भी ये बोली कद तो जाता है, कि मरी जाए तो चंगा। वो एक मुफसर ने तफसीर की आखिरी गल, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने वेख्या भी ना जरा शैतान ना वो गधे ते समान लद के ले जाए, पूछा वो किधर जान डे की लैके जा रहा ये की है, उन्हें आख्या जी ये शिरक है, ये कि देना है मुशरकान ए आखे ये बिदत ये किनू दे बिदत ए जी ये हसद है, उन्हें यह किनू देना ये मौलविया देना, ये मौलविया नहीं लैके जा रहे हैं। सारी दुनिया के वट निकल जाएंगे मौलविया के ढिडा के वट नहीं निकलते, जिड्डी वड्डी डारी ओडा वड्डा ढिड च वट लैके फिरते हैं। मेरे भाईओ अपने दिलों साफ करो, उलमा के बारे अपना दिल साफ रखो। आपको इतराजात होंगे, आपको इख्तलाफात होंगे, आप इख्तलाफ एक ही गल रही भी इख्तलाफ है तो उत्थे बह के गल्लां करनिया, सामने आओ, सामने आते हो तो सलाम करते हो, सामने आते हो तो सलाम करते हो, फिर पीठ पीछे क्यों बदनाम करते हो, फिर पीठ पीछे क्यों बदनाम करते हो।